हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमन मेडिसिन नॉलेज में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं कफ ड्रिल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो गाइस हम आपको इसका यूज़ बताने वाले हैं कि ये किस चीज़ में आपके यूज़ आते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे गाइस आपको। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें हमारे न्यू वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे गाइस आप देख सकते हैं, हमारे पास कफ ड्रिल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं। तो गाइस, मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ, ये किस चीज़ के लिए यूज आती है आपके। तो गाइस, जैसे कि आपके गले में खराश होने लगती है या आपकी नाक बहने लगती है, सर्दी सी हो जाती है गाइस आपको, या खांसी आती है, या मलगम टाइप का आपको कुछ मलगम आता है, मतलब टाइप का नहीं, सॉरी वो आता ही है, मलगम ही आता है गाइस। तो आपको जैसे कि मलगम आने लगता है, तो आपको ये जो आपका ये जो कैप्सूल है, आप उस चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस। इस टाइप के आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो गाइस, ये जो कैप्सूल्स हैं आपके लिए बहुत बढ़िया कैप्सूल्स हैं, बहुत उपयोगी कैप्सूल्स हैं फिर आपके लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, आपको किस टाइप के इसमें कैप्सूल्स मिलते हैं। देखिए गाइस, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो गाइस, ये निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, शर्मा रहे हैं, एक मिनट। तो गाइस, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप के आपको एक स्ट्रिप मिलती है इन कैप्सूल्स की। ज़्यादा बड़े कैप्सूल्स नहीं है, छोटे कैप्सूल्स हैं, देख सकते हैं गाइस, आपको आप ये देख सकते हैं। तो गाइस, आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह और शाम, आप इसका सेवन कर सकते हैं, आप इनको खा सकते हैं सुबह और शाम। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपको खांसी है, या आपकी नाक बह रही है, या आपको वो खराश है आपके गले में, या आपको मलगम आता है, तो गाइस आप इन कैप्सूल्स को ले सकते हैं, आप इन कैप्सूल्स को खा सकते हैं। आपको इन कैप्सूल्स का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अगर आप इसका उपयोग करते हैं इन कैप्सूल्स का। और गाइस, एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर गाइस आप नॉर्मल पर्सन हैं, जैसे कि आपकी किसी भी टाइप की पहले से दवा नहीं चल रही है, या किसी भी टाइप की आप दवा नहीं खा रहे हैं, तो गाइस आप इसको लें तो आपको किसी भी टाइप का साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस, अगर आप किसी भी टाइप की दूसरी दवा खा रहे हैं, कि आपका कोई दूसरा मर्ज है, आप उसकी दवा खा रहे हैं, तो गाइस इस टैबलेट को ना लें बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना जिस डॉक्टर से भी आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, या किसी और डॉक्टर से उसको बता के कि मेरी ये दवाइयाँ हैं, तो गाइस उस उनकी बिना सलाह के बिना इस टैबलेट को ना लें। मतलब टैबलेट नहीं गाइस, मतलब कि कैप्सूल्स को ना लें तो बढ़िया रहेगा गाइस, आपकी हेल्थ के लिए भी, और आपको फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा गाइस, अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लेकर इन कैप्सूल्स का उपयोग करते हैं। क्योंकि गाइस वही बता पाएंगे कि आपकी जो मेडिसिन है उनके संग जो इनमें साल्ट मिलता है, जो इसमें कफ ड्रिल में, ये उनके संग कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। तो गाइस, ये आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा जिस टाइप की अभी आपकी मेडिसिन चल रही हो। तो गाइस, आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और गाइस, अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, जैसे कि आपकी किसी भी टाइप की दवा नहीं चल रही है और आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने अभी आपको बताया किस चीज़ में ये यूज आता है, तो गाइस आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें हमारी न्यू वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। चलिए गाइस, हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।